तो गाइस जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। मुद्रा और साख वाले चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली थी मुद्राओं के बारे में, साख के बारे में। अब दोस्तों हम लोग ये समझने आ रहे हैं भारत में कौन कौन से साख वाले जो क्षेत्र हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से प्रयोग होते हैं। तो साख जो होती है आपकी, ये मुख्य रूप से ना दो पार्टों में बांटी जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो साख होती है वो दो तरीके की होती है। साख माने उधारी। पहली जो उधारी यानी कि जो ऋण होता है दोस्तों, वो आपका आता है औपचारिक क्षेत्रों से। और इसके अलावा जो दूसरा वाला होता है वो हमें पता है, जब पहला औपचारिक है तो दूसरा अनौपचारिक वाला भी होगा। अनौपचारिक और औपचारिक में क्या अंतर है मुझे जरा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो जो औपचारिक वाला होता है ये मतलब हम लोग कॉमर्शियली लेते हैं किसी एक प्रकार से, व्यवहारिक रूप से, या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनली जितने भी लोन वगैरह होते हैं दोस्तों उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे बैंक हो गई, बैंक जैसी कोई भी बड़ी कंपनियाँ हो गई, या फिर कोई फाइनेंस करने वाली कंपनी हो गई, बैंक फाइनेंसर, या फिर कोई सहकारी समितियाँ जो होती है दोस्तों, ये सारी आती हैं सहकारी समिति, ठीक है। ये गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों तरीके की हो सकती हैं। जबकि अनौपचारिक में हम लोग क्या करते हैं, कोई दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है लोन वगैरह लेते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्त और रिश्तेदार तो हमारे ज़्यादातर लोन नहीं देते हैं, वो खुद ही उल्टा हमसे मांग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों साहूकार, ठीक है, या कोई जमींदार, ऐसे लोगों से लोन लेते हुए किसानों को इत्यादि लोगों को देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के सभी जो लोन होते हैं औपचारिक और ये वाले अनौपचारिक कहे जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि ये जितने भी लोन होते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है निगरानी में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट इन पर निगरानी रखती है कि कितना लोन लिया जा रहा है, किस किस को लोन दिया जा रहा है, और तो और किस ब्याज पे लोन लिया जा रहा है, ये सारी बातें जो है दोस्तों गवर्नमेंट हमारी निगरानी रखती है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर दोनों लोगों के बीच की बात होती है आपस में। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक उतना ज़्यादा अब इस पर हम लोग कोई संस्था वगैरह तो है नहीं जिस पर हम निगरानी रख सकें। आप अपने दोस्त से कोई भी लोन ले सकते हो कि मेरे को यार 100 रुपये दे दो, मैं सुबह तुमको जो है 200 दे दूंगा, 150 दे दूंगा, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ब्याज हो गया। या फिर आप किसी रिश्तेदार को बोल दो कि मुझे किसी से 10,000 रुपये दे दो, दिलवा दो, उधार खुद ही दे दो, और मेरा काम चल जाने के बाद मैं 15,000 दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, या फिर 10 के 10 ही वापस करूंगा। तो ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। साहूकार आपसे 5%, 10%, 3%, 2% किसी पर भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। जबकि जो बैंक होती है दोस्तों या सहकारी समितियाँ होती हैं, इन पर पूरी निगरानी रखी जाती है। निगरानी कौन रखती है? निगरानी हमारी गवर्नमेंट का एक अंग है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है, ये इसकी जो सबसे बड़ी शाखा होती है, बैंकों की सबसे बड़ी शाखा दोस्तों, वो इन पर सब पर नज़र रखती है। अब नज़र रखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो बैंक होती है दोस्तों प्राइवेट होती हैं ज़्यादातर, जैसे कुछ तो गवर्नमेंट होती हैं कुछ प्राइवेट होती हैं। तो प्राइवेट वाली बैंक हमेशा अपना फ़ायदा सोचेंगी, और अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसे ही व्यक्ति को लोन देंगी जो व्यक्ति उनको समय पर लोन लौटा दे, या फिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोन ले, क्योंकि ज़्यादा लेगा ज़्यादा ब्याज देगा तो वो तो बड़ा है ही है, लेकिन उसको बैंक को भी इनडायरेक्टली ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट होने लगी कि ये जितने भी बैंकर्स हैं ये सारे केवल अमीर वर्ग के लोगों को लोन प्रोवाइड करें ताकि उनका धंधा और ज़्यादा बढ़े, तो जो छोटे से लोग हैं दोस्तों, जो उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में भी नहीं आ पाते, ऐसे लोगों को लोन की जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये लोग हाथ पैर खड़े कर देंगे और ये लोग लोन देंगे ही नहीं। तो हमारी RBI ध्यान रखती है कि ये सभी लोगों पर लोन मतलब बराबर से बांट रहे हों। दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये आ जाती हैं कि लोन की प्रतिशतता दर भी होती है। आपने वो मूवी ज़रूर देखी होगी, मेरे ख्याल से ढोल मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपने देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने देखी या नहीं। आपने उसमें नोटिस किया होगा कि ये जो चारों दोस्त होते हैं दोस्तों, वो अपना लोन लेने के लिए जैसे तैसे बैंक के पास जाते हैं, और बैंक उनका लोन फिर भी पास नहीं कर रहा होता है, गारंटी वगैरह की मांग कर रहा होता है, उनके पास गारंटी नहीं होती। लेकिन वहीं पर जैसे ही उनको पता चलता है कि ये तो एक करोड़पति परिवार के लोगों से आते हैं, या फिर ये करोड़पति परिवार के दामाद बनने वाले हैं, बैंक का मैनेजर खुद मिठाई लेकर के उनके घर पे जाता है, बिना गारंटी के लोन पास करने की बात बताता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि जब उनको पता चला कि सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी है, तो उनके मन में लालच आया। इसी प्रकार से दोस्तों बैंकर्स भी होते हैं, जब कोई बड़ी पार्टी हो या बड़ा कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति होता है, तो उससे कम ब्याज पर भी
लोन देने के लिए एग्री हो जाते होंगे मे बी, इसीलिए तो आरबीआई ने हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज वगैरह बना करके रखी हैं। तो ऐसे कामों के लिए आरबीआई है, जो एक तो ये मेंटेन करने की कोशिश करती है, निगरानी करती है कि अमीर और गरीब वर्ग का पक्षपात ना हो, कि कोई गरीब पहुंचे उसको लोन दे ही ना। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो दर है, दर दर माने होता है ब्याज दर कितनी है, वो ये बैंकर्स कितनी लगा रहे हैं, तय सीमा से ज़्यादा तो नहीं लगा रहे हैं। फिर वापसी लेने के लिए, जैसे जैसे हमने किसी किसान को पैसे दे दिए तो उसे वापस भी तो लेंगे, तो बैंक उसको वापस अपना पैसा लेने के लिए कौन कौन से नियम अपना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जबरदस्ती उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। तो इन सभी बातों पर दोस्तों ये जो आरबीआई है ये पूरी तरीके से नज़र रखती है। लेकिन आप एक बात नोटिस करिए और मुझे बताइए कि आपके आसपास के जितने लोग हैं, तकरीबन आप 100 लोगों का नहीं, 50 लोगों का अंदाजा ले लो या 20-30 लोगों का अंदाजा ले लो, मैं कहता हूँ 10 लोगों को आप पकड़ लो, उनसे सबसे यही एक बात पूछना और पूछ के भी बताना कि आपके ऊपर कर्जा है क्या। तो आप दोस्तों जब पता कर लेंगे 10 लोगों से कि आपके ऊपर कर्जा है क्या, तो वो लोग बताएंगे हाँ कर्ज है। फिर आप उनसे अगला प्रश्न पूछिए, आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है या फिर किसी इस तरीके के कर्ज में है, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि मोस्टली लोग जो हैं कर्जदार हैं, उसमें भी कम से कम जो कर्ज है वो बैंक का है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्ज है वो औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों से आता है। अभी जो अनौपचारिक क्षेत्रों से आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास के लोग ज़्यादातर इनसे कर्ज नहीं ले पाते हैं, वो लोग इनसे कर्ज लेते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा है और इसमें क्या नुकसान है दोस्तों, इस बारे में भी बात करते हैं। एक्चुअली में अगर आपको यहाँ से कर्ज चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए, ब्याज चाहिए, ऋण चाहिए, कुछ भी जो आप नाम चाहे वो बोल लो, तो इसमें ना सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब होता है कि गारंटी आपको देनी पड़ेगी अगर आप लोन लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद में कई बार ऐसे कागज पत्तर होते हैं दोस्तों, दस्तावेज होते हैं जो हमारे पास होते ही नहीं है, तो ये बैंकर जो होते हैं हमको लोन देने से मना कर देते हैं, बोलते हैं हम आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर ये लोगों की अगर हम लोग बात करें तो ना तो कोई ऋणाधार चाहिए ना तो कोई दस्तावेज चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, जैसे मान लेते कोई दोस्त है, वो अपने दोस्त को पर्सनली जानता है कि इसका घर यहाँ पर है, ये लोग इतने इतने परिवार के लोग हैं, तो भाई कागज पत्तर की क्यों जरूरत होगी, तो वो सीधा उठा के उनको पैसे दे देता है और समय पर ले भी लेता है। ऐसे ही रिश्तेदार होते हैं तो हाँ ही हैं, पारिवारिक लोग जुड़े हुए हैं, रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से, इसीलिए ना तो ऋणाधार की जरूरत होती है ना ही तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है, उठा के पैसा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है मनमानी दर। दर दोस्तों कितनी भी हो सकती है, साहूकार, जमींदार, ये लोग भी किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं क्योंकि आसपास के गांव वाले लोगों को ही लोन देते हैं और उसका घर बार सब कुछ जानते हैं, लोन दे देते हैं आसानी से, ना ऋणाधार चाहिए ना तो कोई चीज चाहिए। लेकिन दर महंगी लगा लेते हैं, कई बार 5%, थोड़ी और ज्यादा 10%, कितनी भी लगा सकते हैं, तो इनके ऊपर है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो इसलिए जो लोग होते हैं दोस्तों, उनको जब पैसा चाहिए होता है तो वो यहाँ पर जा करके जो है ऐसे लोगों से जल्दी ऋण ले लेते हैं। और इस प्रकार का जो ऋण होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा झोलम झोल वाला होता है क्योंकि ये ऋण कई बार फंसा देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये ले लिए और 50,000 रुपये का जो सूद समेत ब्याज वगैरह सब कुछ बनेगा, ये बन रहा है आपका 1 लाख, तो डबल हो गया। या फिर ये मान लेते हैं कि जो किस्त चुकानी थी वो हमारी इनकम से ही ज्यादा हो रही है या फिर इनकम के आसपास में हो रही है, हमारे लिए कुछ पैसा बच ही नहीं रहा। तो ये जो ऋण होता है दोस्तों इस टाइप का, ये कई बार हमको फंसाने वाला होता है, ये पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेता है और हम यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओवरऑल काम चल जाता है। कई बार दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है क्योंकि आसानी से मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, इसके लिए जबकि हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और कई बार तो ये मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ऋणाधार, जो कि हमारे पास होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो भी उसमें कोई ना कोई लकड़ी हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो बैंकर्स होते हैं, सहकारी समितियाँ होती हैं दोस्तों, ये लोग हमें हमारी आय के अकॉर्डिंग ही लोन पास करती हैं या फिर देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर 50,000 कमा रहा है महीने का, तो वो इतना ध्यान रखेंगे कि 50,000 कमा रहे हो तो एटलीस्ट 30,000 रुपये तो तुम्हारा खर्चा हो गई होगा, तो तुम घुमा फिरा के अगर चलो खर्चे में थोड़ी कटौती कर लोगे, ब्याज मतलब ऋण देना है तुम्हें तो कंजूसी होगी होगी, तो जब उसमें थोड़ा खर्चा करोगे तो मान लेते हैं कि तुमने 20,000 का खर्चा कर दिया तो तुम्हारे पास 30,000 रुपये बच रहा है, तो 30,000 रुपये तो महीना चुका पाओगे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि 50,000 कमा रहे हो 1 लाख चुकाने लग रहे हो, तब तो और ज़्यादा ऋण में चले जाओगे। तो इसीलिए बैंकर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ करके ऋण पास करते हैं,
जबकि यहाँ पर ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं होती। अगर आप पर पुराना ऋण चढ़ा हुआ भी है तो थोड़ा दोस्ती से पटिया लो, थोड़ा बोल लो अच्छे तरीके से, या फिर साहूकार को मना लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो और लोन मिल जाएगा। हालांकि वो बात अलग की है कि कर्ज में फंसते चले जाओगे या जो भी हो, लेकिन मिल जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस बात पे कि किन लोगों को कौन कौन सा ब्याज मिलता है। आप सबसे पहले इस वाले फिगर को देखिए। इस फिगर को आप ध्यान से देख करके ये समझ सकते हैं कि शहर वर्ग के या अमीर वर्ग के जितने भी लोग होते हैं दोस्तों, उनको बैंक की तरफ से ज़्यादातर जो है ऋण वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जो जितना गरीब व्यक्ति होता है उसको बैंक की तरफ से उतना ही कम ऋण मिलता है। उसको अनौपचारिक वाला जो ऋण होता है, ब्याज ये लोन होता है, ये ज़्यादातर मिल जाता है। तो इसका मतलब हमारे देश में दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए लोन एक बराबर हो, या फिर मतलब कहने का मतलब ये कि उसकी दरें बराबर हों और सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पर ऋणाधार के लिए कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना होगा, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं उनके पास कोई ऋणाधार होता ही नहीं, फिर भी उनको मजबूरी होती है, पैसा चाहिए होता है। मान लीजिए कि कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है जो आज तक केवल 2,000 रुपये महीना कमा रहा था और उसका खर्चा 1,800 से 1,900 रुपये महीना हो रहा था। इसका मतलब वो 100 रुपये ही केवल बचा पा रहा था, और ऐसे में परिवार की दाल रोटी चलाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। घर में कोई सामान तो आ ही नहीं सकता, बैंक में भी आप देखेंगे 200-300 रुपए उनके खाते में पड़े होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कोई एक ऐसी गलती हो जाए किसी से, जैसे उसका बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया हो, उस गरीब आदमी का जो अभी 2,000 रुपये कमा रहा है और उसके इलाज में कम से कम 50-60 से 70-80 हज़ार रुपये लगने वाले हैं, तो वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा? फिर उसके पास कोई आज तक की जमा पूंजी है ही नहीं, कोई ऋण है ही नहीं, वो खुद ब खुद ही एक किराए के मकान में झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो क्या ऋण आधार देगा? मतलब उसके पास में कौन सा बेस होगा जिससे वो ऋण ले सकता है? तो उसको ऋण नहीं मिलेगा, उसको लोन तो पास ही नहीं होगा, उसका बच्चा चाहे मर जाए लेकिन वो व्यक्ति को लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई कंपनी है, ना कोई काम है, प्राइवेट मजदूरी करता है या फिर वो रोज जाता है मजदूरी करता है, थोड़े बहुत पैसे वगैरह जोड़ लेता है, 2,000 रुपये तक महीने के बचा लेता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको कोई लोन नहीं मिल पाता है वक्त पे, और उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग होते हैं, आइडियाज़ होते हैं उनके माइंड में, इतने क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो लोग जो हैं हमेशा रह जाते हैं। कई बार ऐसे कोई शॉपकीपर्स होते हैं जो अपनी दुकान को बड़ा करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार जो ऋण की जो दर होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बैंक तो उनको ऋण देने से अभी हाँ नहीं करने वाला, उनके पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ऋण आधार है ही नहीं कोई, कहाँ पे लेंगे? तो उनको इस वाले तरीके से ऋण लेना पड़ेगा, लेकिन इनकी ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा हाई होंगी कि वो वापस ब्याज नहीं कर पाएंगे, ये बात सोच करके लोन लेते ही नहीं है, जिसके कारण वो कभी आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हो हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी जो बात है कि हमें सोचना चाहिए कि लोगों को बिना ऋणाधार के कैसे लोन प्रोवाइड कराया जाए, फिर उनसे कैसे रिकवरी करी जाए। रिकवरी का मतलब लोन तो दे दिया, फिर उनसे वापस भी तो लेना होगा ना। तो इन सारी बातों पर अभी बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। अगर इन सारी बातों पर दोस्तों विचार किया जाएगा तो सबको ही पैसे मिल पाएंगे और सभी अपने उद्योग धंधे आगे बढ़ा पाएंगे। फालतू के पैसे किसी को नहीं चाहिए, जिसको जितना लग रहा है उतना मिलना चाहिए, फिर वो वापस लौटा भी दे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई बार उठा पटक में कई बार गलत व्यक्ति को बहुत सारा और सही व्यक्ति को बिल्कुल भी लोन मिल नहीं पाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सही व्यक्ति को सही लोन तो मिलता है लेकिन उसका काम सही तरीके से नहीं चल पाता है, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी बातों पर जो है सोचने विचारने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा डिटेल से। हालांकि पहले से ही कुछ अच्छे नियम हैं मार्केट में, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है। अब देखते हैं कुछ और इसके अलावा क्या ऑप्शन अपने पास में। हम बात करेंगे निर्धनों के स्वयं सेवी समूहों के बारे में। निर्धनों के स्वयं सेवी समूह का मतलब ये हो गया कि दोस्तों समाज में हमारे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, और ऐसे गरीब लोगों को बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनके पास में एक तो ऋण आधार यानी कि वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो ऐसे में ये 15-20 लोग मिल करके दोस्तों एक समूह बना लेते हैं, और ये जो लोगों का समूह है ये सारे लोग अपने कुछ रुपए या कुछ पैसे बचाते हैं और इन रुपयों को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी एक का काम चला देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, इसी तरीके से ये लोग करीबन 15-20 लोग मिल करके ग्रुप बना लेते हैं, और इनकी पूरी कमाई का जो खर्च होगा वो निकालने के बाद में अगर इनका 50, 60 या 100 रुपये बच रहा है, दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर 50 इनका भी बच रहा है और 50 इनका भी बच रहा है, तो आप एक चीज़ देखिए कि 10,000 की कमाई में अगर ये सिर्फ 50 रुपये बचा पा रहे हैं तो ये डेफिनेटली कभी भी कुछ जोड़ नहीं पाएंगे और कुछ नया खरीद नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ही करके 15 या 20 लोग हो गए और रोज का इनका 50 50 50 बच रहा है, तो आप देखिए कि एक महीने में कितना ज्यादा कमा लेंगे, मतलब बचा लेंगे सारे लोग मिल करके। और इतना सारा पैसा क्या करेंगे ये लोग, किसी एक पर्सन को उठा के दे देते हैं और फिर से वो रुपए बचाना जारी रहता है, फिर अगली बार में वो पैसा उठा के किसी और को दे देते हैं, फिर किसी और को दे देते हैं। इस टाइप के दोस्तों बहुत सारे ग्रुप आपने अपने आसपास में देखे होंगे, इनको आपने कमेटी के नाम से भी सुना होगा। बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं वो बोलते रहते हैं कि कमेटी उठानी है, कमेटी भरनी है, कमेटी के पैसे देने हैं, या फिर इस तरीके से बहुत सारी बातें। तो ये दोस्तों काफी अच्छे काम करते हैं, क्योंकि इससे ना किसी भी पर्सन का काम भी चल जाता है, कोई आपस में ज्यादा मगजमारी टेंशन जैसी कोई चीजें भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा प्रेशर नहीं होना, रोज की कमाई का बहुत थोड़ा सा भाग भर के जो है बहुत अच्छे तरीके से काफी हद तक पैसा भी मिल जाता है, कोई ज्यादा ब्याज भी नहीं देना होता। और इसी तरीके की जो कमेटी वाले काम है दोस्तों, ये गांव में ज्यादातर चलते हैं, या फिर जो निर्धन परिवार के लोग होते हैं वो ज्यादातर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और भी इसी तरीके से कई और भी सेवा समूह हो सकते हैं जो कुछ इसी आधार पर काम करते हैं। और दोस्तों ये सारे लोग, सबका उद्देश्य बस एक ही होता है कि आगे बढ़ाना है सबको। कई बार इनमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि जैसे ये सारे लोग जो हैं पैसे दे रहे हैं, लेकिन किसी एक की नियत खराब हो जाए तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें ना ध्यान रखा जाता है। अब जैसे कि हमने बात करा ऋणाधार की, तो इन लोगों के पास में ऋणाधार कोई होता नहीं है, तो ये सारे लोग जब मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, ये लोग पैसा जमा करते हैं, तो अगर ये सब मिल करके अपने ग्रुप के साथ में बैंक में जाते हैं, अपने ग्रुप के बारे में बैंक को बताते हैं, तो बैंक भी इनको लोन दे देता है काफी हद तक, क्योंकि इनके पास में एक बेस बन जाता है और इस बेस के आधार पर जो बैंक है दोस्तों वो लोन दे देता है बिना ऋणाधार के। और उस बैंक से मिले हुए लोन का प्रयोग ये लोग किसी एक व्यक्ति के या फिर कई और सारे लोगों के साथ में मिलकर के, मतलब सबके थोड़ा थोड़ा जैसा भी जिसको जरूरत हो उस आधार पर खर्च कर लेते हैं। तो इस आधार पर आपने कितने ऐसे स्वयंसेवी समूह देखे मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको ये चैप्टर जो है एंड कर रहा हूँ, और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो आपको दोस्तों चैप्टर की जो बुक है वो आपको दोस्तों चैप्टर के कुछ नीले पीले जो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं इनमें देखने को मिल जाएंगे, और साथ में जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो भी आप जरूर देखिए। मैं अपने इस चैप्टर में कोई भी मैंने आपको ग्राफ नहीं दिखाया, कोई भी आपको मैंने जो है स्केल वगैरह नहीं दिखाया, आप इन सबको जरूर नोटिस कीजिए। मैंने इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप मेरी बातों से चैप्टर तो समझ जाएं, लेकिन ग्राफ को और सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको चैप्टर खोल के देखना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इकोनॉमी तो पढ़ रहे हैं लेकिन किसी ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप चैप्टर पढ़ें, मेरी बातों को सुन रहे थे, तो उस टाइम पर आप अपनी बुक को साथ में लेकर के बैठें, किसी भी ग्राफ को देखें, और अगली बार से मैं हर एक ग्राफ को या तो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा या उसके बारे में बताऊंगा और आपसे कहूंगा आप अपने इस ग्राफ को अपनी बुक में देखिए। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन आप चैप्टर को एक बार रीड जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये वाला वीडियो पूरा देखा है या फिर नहीं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो #FullOnGuide के साथ में अपनी बात मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए FullOnGuide।